भैरोसिंह जी के जन्म शताब्दी के ऐसे प्रारंभ पर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे इस देश के विकास पुरुष आदरणीय नितिन गडकरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की प्रदेश में अगुवाई करने वाले जोशी जी, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, अजय गजेंद्र सिंह जी, सतीश जी और मेरे सामने विराजित इस ऐतिहासिक भूमि खासरियावास में सीकर जिले के गांव गांव ठाणी ठाणी से आए हुए वो लोग जो भैरव सिंह जी के साथ जिन्होंने काम किया जानते हैं मानते हैं, मैंने को वो चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने बसों बसों का खेत किनारा लगाया था राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह भैरव सिंह। आज हम उनको समर्पण करने के लिए आए हैं। ये खासरियावास की धरती एक विचार की धरती है, एक कर्मशीलता की धरती है। इसी तरह से भैरव सिंह जी शेखावत ने अपने जीवन के अंदर गरीबी को देखा, किसान और किसानी को समझा। लोग आते हैं चले जाते हैं और कुछ लोग काल के कपाल पर मिट देखा ही अपने कर्तव्य से खींच जाते हैं। राजस्थान कभी भूल नहीं सकता। कहते जाके प्रेरणा फटी विवाही वो क्या जाने पीर बुलाई। मुझे वो समय याद है जब भैरव सिंह जी ने सबसे पहले 10,000 का कर्जा किसान का माफ किया। एक सभा के अंदर जब हम लोग ये कह रहे थे कि किसान का कर्जा माफ हुआ है तो भैरव सिंह जी ने बैठते ही कहा आपने एहसान किया है, आप बार बार कर्जे की बात को क्यों कहते हो, ये धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाले अन्नदाता का सम्मान है। वही आज जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कर्जा माफी के नाम पर जिस प्रकार राजस्थान ठगा गया हमने छुपा हुआ नहीं। मुझे वो समय भी याद आता है जब बिजली के दाम बढ़े थे, पालू राम शहीद हुए थे, भैरव सिंह जी ने आंदोलन किया था। आज जब हम महंगाई राहत के अंत की बात करते हैं, बिजली का बिल आ रहा है, बिल में करंट आता है और उनमें से प्रतिदिन का फ्यूल चार्ज देना पड़ता है। मैं समझता हूँ भैरव सिंह जी की राजनीति जिन्होंने हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को तैयार किया, एक चलते विश्वविद्यालय के रूप में थे, उनके सुचिता की नाराजगी थी, सुब्रमण्य की नाराजगी थी, सारा की नाराजगी थी, आज हमें निर्णय करती है। अगर सच्चे तरीके से पुरानी भूमि के लगान की माफ करने की वो कहानी जब भैरव सिंह जी से पूछा, उन्होंने कहा जब मैं जवान था फसल खराब हो गई, टिड्डी फसल खा गई, जागीरदार के हलकार लगाम लेने आए, मटर कर सामने खड़ा हो गया, मेरे जीवन का पहला आंदोलन था वो और उस पर जागीरदार के अहकारों को वापिस जाना पड़ा। मेरी पहली गर्व से पुरानी भूमि का लगान माफ करके उस किसान को उस दर्द को मिटाने का काम करता हूँ अंतर्दय के जनक के रूप में। और आज जिस नरेगा को हम देख रहे हैं काम के बदले अनाज योजना, उस योजना के मूल के अंदर आज की नरेगा है और भैरव सिंह जी के अंदर योजना में आज हमें देख रहे हैं गरीब कल्याण के काम जो भारत सरकार कर रही है उनके केंद्र बिंदु में भैरव सिंह जी का विचार है। इस विचार को अमल करने के लिए हम आए हैं। मैं तो कह सकता हूँ अगर भैरव सिंह जी से आपने कितने वर्ष तक एक ही सिंह का नारा लगाया जो बता।